सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए, ठीक है। तो सभी भाइयों को मेरे हैप्पी नवरात्रि, ठीक है। भाई बहुत लोगों का कॉमेंट आ रहा था चैनल पे, वीडियोस पे, कि भाई इसका जो है साउंड मॉडिफिकेशन सब कुछ बताओ, जो एयर फिल्टर लगाया हुआ है गाड़ी में वो कैसे लगाया, इंस्टॉलेशन कैसे हुई और क्या क्या प्रोसेस रहा है, और साउंड कैसे इस तरीके का आता है। बहुत लोगों का, भाई लोगों का ये डाउट है। तो भाई बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे हैं, मतलब इतने कमेंट आ रखे हैं, मैं जवाब दे दे के बहुत परेशान हो गया हूँ, ठीक है। तो कमेंट में वो जवाब दिया नहीं जा रहा है अब। तो पहले तो आपको होप का पूरा लुक देख लो भाई अपना, ठीक है। ऐसा कुछ लुक है अपनी गाड़ी का। अलॉय व्हील्स बहुत ख़राब लग रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ टायरों के साथ, खासकर पीछे वाले टायर के साथ, ठीक है। तो भाई ये है अपनी गाड़ी का पूरा लुक, सबको पता है, सबने देख रखा है पहले से ही। 100cc में इकलौती यही एक आफत है TVS स्पोर्ट की, नाम रोशन कर रखा है TVS कंपनी का, खैर मैंने, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ आज सबसे बड़ी बात कि एयर फिल्टर क्या है, कैसे वर्क करता है और क्या क्या भाई इसमें लगता है, क्या क्या इंस्टॉलेशन में लगेगा, कैसे आपकी गाड़ी अच्छा साउंड करेगी। मतलब भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराते हैं। देखो भाई सबसे पहली बात तो 100cc गाड़ी हो या 200cc की गाड़ी हो, एग्जॉस्ट इंस्टॉल कराने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता, हल्का फुल्का साउंड में आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, और चालान अलग से, ठीक है। हाँ आपके पास 1000cc की 600cc की बाइक है तो आप एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। एग्जॉस्ट का असली मजा डुअल सिलेंडर इंजन के साथ ही आता है, मतलब डुअल सिलेंडर इंजन के साथ आने लग जाता है एग्जॉस्ट का मजा, ठीक है। बाकी भाई सिंगल सिलेंडर में एग्जॉस्ट का कुछ होता नहीं है, और चलान लोगे अलग से अपनी तरफ से, उसका रिस्क अलग से साला। तो भाई मेरे को तो भाई इन सब छोटी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट में भाई प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ भाई कि मेरी गाड़ी साउंड कैसा देती है, मतलब कैसे ऐसा साउंड देती है जिससे लोग पगला जाते हैं। पहले तो आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, साउंड सुनाता हूँ। भाई गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, अब इसमें पता है सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अभी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, इस पर कोई साउंड मॉडिफिकेशन हो रखी किसी को भी पता नहीं चलेगा भाई, ठीक है। अगर आप पुलिस वालों के सामने भी होते हो तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना है कि भाई आपने साउंड मॉडिफिकेशन करा रखा है, ठीक है। मेरी गाड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जुकाम बुखार हो रखा है, बुखार तो खैर अभी नहीं है पर जुकाम है, तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो उस तरीके की आवाज़ आ रही, तो वो माइंड मत करना। तो अभी देखो साउंड चेक करना, नॉर्मल साउंड जैसे हर गाड़ी की होती है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, पर अब देखना है? देख रहे हो, चेक करना, ये जो साउंड आता है ना भाई, सब लोग इसी को पूछ रहे हैं। और ये पता है खड़ी गाड़ी पर अगर आप रैप करोगे तो साउंड बहुत कम आता है, मतलब उतना साउंड नहीं आता। अगर ये गाड़ी चल रही होती इस टाइम और उतना मैं रैप कर रहा होता तो गाड़ी का साउंड बहुत ज़्यादा आता, बहुत ज़्यादा आता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं गाड़ी को खोलने जा रहा हूँ, पूरी गाड़ी को खोलता हूँ, जहाँ पे एयर फिल्टर वाला सेक्शन है उसको खोल के दिखाता हूँ कि कैसे लगता है और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस कोई बहुत बड़ी बात नहीं एयर फिल्टर इंस्टॉल करना, ठीक है। अगर आप परचेस करके ले आते हो घर पे भी खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, मैं अभी आपको पूरा इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ। सभी गाड़ियों का अलग अलग होता है लेकिन होता सब एक ही तरीके से, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लो, ठीक है, ओके। सो गाइस मैं अभी अकेला हूँ, ठीक है, तो मुझे ही रिकॉर्ड भी करना है आपके लिए और खोलना भी, तो आप देखो अभी, ठीक है। यहाँ से पहले एक स्क्रू होता है, मतलब TVS स्पोर्ट के खास करके लिए, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसे खोल लेना भाई। भाई देखो ये पैनल खोलने के बाद ये निकल के आता है अपने एयर फिल्टर, ये देखो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं इस एयर फिल्टर को पता है डिब्बे से बाहर भी रखते हैं, और डिब्बे से अगर बाहर रखोगे तो होता है पानी वानी, आप गाड़ी को वॉश कराते हो या वॉश करते हो तो इस पे पानी लगने की वजह से ख़राब हो सकता है। और ये एयर फिल्टर एक बार इंस्टॉल कराना होता है गाड़ी में, उसके बाद कभी एयर फिल्टर इंस्टॉल नहीं कराना होता है, इसको बस क्लीन करना होता है इतना। एक बार आपने इसको क्लीन कर दिया फिर आपका काम 6 महीने आराम से चलेगा। और इस एयर फिल्टर को भाई सही, बहुत सही चीज़ है भाई, जो बंदे एग्जॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते ना उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी देखते हैं, आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसको बहुत ईजी है भाई, ये देखो काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो इसके अंदर नहीं, अभी सर्विस पे ही क्लीन हुआ था, देख सकते हो ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं है। ये है अपना एयर फिल्टर, ठीक है, अभी देखो। और TVS स्पोर्ट के लिए सबसे पहली बात मैं बता दूँ, TVS स्पोर्ट में क्या होता है, ये जो रिंग लगी हुई है ये रिंग नहीं लगी रहती है, क्योंकि इसका जो एयर फिल्टर स्टॉक वाला होता है वो उसमें ऐसा पार्ट होता है एयर फिल्टर में जो अंदर की साइड जाता है, ठीक है,
तो टीवी स्पोर्ट में ये रिंग नहीं लगी रहती, ये रबड़ की रिंग आपको किसी भी शॉप से जाके आप ले लोगे तो मिल जाएगी। और देन अगर ये रिंग नहीं होती है तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई ये ऐसी चीज़ है ना, इसको इस पर कसना होता है। देखो ये लगाया मैंने, ये इसको मैंने इस पर टाइट कर दिया इस तरीके से, ठीक है, लग गया। अच्छी तरह देख लो भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे चैनल पे भाई, साउंड के लिए मॉडिफिकेशन बताओ, कैसे एयर फिल्टर लगाया है, कहाँ से लगाया है। तो भाई देखो, अब ये रहा एयर फिल्टर अपना, इसको आप बड़े ही आसानी से परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन जाओ, बाइक एयर फिल्टर सर्च करो यूनिवर्सल, ठीक है। और ये ज़्यादा ज़्यादा इसकी प्राइसिंग होगी 350 से 400 रुपये मैक्स टू मैक्स। और भाई दिखावे में मत जाना, देखने में ब्लू और खूब अच्छा अच्छा होता है। अगर आपको दिखाना, देखो मैंने इसको ऐसे लगाया हुआ है ना, मेरा ये बंद रहता है अंदर, समझ लो, ये मेरा बॉक्स के अंदर बंद रहता है इसके अंदर, तब इसका साउंड ऐसा आता है, ठीक है। अगर भाई इसको मैं यहाँ से लगाता, ये यहाँ से भी लग जाता है, आप देखो। तो ये देखो, ये जो चूड़ी है, ये चूड़ी यहाँ से खुल के ये यहाँ पे इस तरीके से लगता, पर पता है क्या होता, बाइक वॉश वॉश होती तो ये ख़राब हो जाता, तो मैंने इसलिए इस तरीके से नहीं लगा रखा है। तो ये देख लिया आप लोगों ने भाई, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप आप लोग के। इसको इंस्टॉलेशन का सीधा तरीका है, आपने मान लो मंगा लिया एयर फिल्टर, उसके बाद आपका जो स्टॉक एयर फिल्टर लगा, ये पूरा सिस्टम खोल के आपको उसको निकाल लेना। निकालने के बाद आपको एक ऐसी रिंग खरीद लेनी है, कि पे बाइक रिपेयरिंग की शॉप पे जाओगे आप, उनको ऐसी रिंग मेरे वीडियो से ही दिखा दोगे, वो दे देंगे आपको, ठीक है। और ये देखो सिंपल है भाई, इसको इस तरीके से टाइट कर देना है, अच्छी तरह टाइट करना है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका टाइट, बस ईजी इंस्टॉलेशन है। और भाई साउंड जो ही आता है उसका मत पूछो, मस्त लगता है बिल्कुल एकदम, ठीक है। ठीक है भाई, सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके एयर फिल्टर को लेकर खासकर, ठीक है। बाकी मेरी बाइक तो और बहुत सी मॉडिफिकेशन हो रखी है, जो देखो मैं पता है मॉडिफिकेशन पहले से ही करता था गाड़ियों पे, जब मेरा यूट्यूब पे चैनल नहीं था तब, ठीक है। तो क्या होता था, तब की वीडियोस तो मैंने रिकॉर्ड करी नहीं, सिर्फ इंस्टा पे रील्स वगैरह डालता था। तो जब चैनल के बाद जो जो मॉडिफिकेशंस हुआ है वो अब आपके सामने है। बाकी गाड़ी पे जो जो मॉडिफिकेशंस हो रखी हैं, जो जो साइड मिरर से लेके विंडशील्ड और जो भी है, ठीक है, सब मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो वीडियोस। गाइस थोड़ा सा चैनल पे क्लिक किया करो, अंदर जाया करो, ढूंढा करो, वीडियोस सारी पड़ी हुई हैं। खासकर मेरे चैनल पे मॉडिफिकेशंस की ही वीडियो है और कोई वीडियो ही नहीं है। तो अभी इसको पैक करते हैं, उसके बाद आपको बाहर ले चल के दिखाते हैं कि कैसा साउंड आ रहा है, ठीक है, चलो। सो गाइस अभी आ गए हम लोग बाइक पे, और जैसा कि आपको पता है मैं आज आपको एयर फिल्टर का साउंड सुनाने वाला हूँ। तो सॉरी गाइस थोड़ा नाइट हो गया है, लेट निकलते निकलते हम लोग काफ़ी लेट हो गया, और हमारे साथ आ गए हैं साहिल भाई, ठीक है। तो ये भी जस्ट अभी ऑफिस से आए थे, और इनकी बाइक मेरे घर पे खड़ी थी, मैंने कहा भाई दो बाइक से नहीं जाएंगे, एक ही बाइक से चलते हैं, ठीक है। तो भाई अभी आप लोग नोटिस करना भाई साउंड, ठीक है भाई, सबसे मेन चीज़ है साउंड, ठीक है। अपनी होप का कुछ लुक देख लो, अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है, और अभी साउंड नोट करना भाई, ठीक है। देखो और सुनो भाई, ये इसका खड़े पे अगर आप इसको रैप करोगे तो मतलब गाड़ी कहीं पार्क है तो ऐसा साउंड आता है, क्या कह रहा हो, यही चीज अगर टनल में करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। है किसमें, क्या कह रहा हो, यही चीज आगे टनल में करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अबे मेरे भाई ने दिल की बात छीन ली, चलो भाई चलो टनल में चलो, चलो यार अरे भाई क्या बात बोली यार साहिल भाई ने, चलो भाई टनल है आगे, टनल में चल के हम लोग रैप करते हैं, मजा आएगा। भाई अभी आ गए टनल के अंदर, ठीक है, गाड़ी बिल्कुल देख रहे हो क्या लग रही है, एकदम सेक्सी, ठीक है। अभी टनल के अंदर आ गए और रैप, साहिल भाई रैप दो जरा गाड़ी, we'll be right back।
गूंज रहा है भाई, ये देखो हल्का सा देखना, बिल्कुल हल्का सा छोड़ देखना। भाई की एक वीडियो बनाई थी तो उसके लिए थोड़ा सा आगे से यूटर्न मार के वापस आएगा, और आ ही रहा होगा, अभी दिखाते हैं आपको फ्लाई बाय में कैसा साउंड आता है, वो भी इस दार्शी टनल के अंदर। मज़ा आ गया गाइस, एकदम लौंडा ऐसा ना तहलका मचा देता है जहाँ जाता है। भाई अभी थोड़ा सा आपको रैप करते देखिएगा गाड़ी जब भागती है तो कैसा साउंड आता है, ठीक है। साहिल भाई पीछे कैमरा पकड़ के बैठे, और थोड़ा सा एयर का भी हवा का भी नॉइस आएगा तो माइंड मत करना, मैनेज कर लेंगे। चलो गाइस, अभी यहाँ पे आए थे काना साइड, अच्छी अच्छी व्हीलियाँ ट्राई करी, बहुत मज़ा आया भाई कसम से, अच्छी अच्छी व्हीलियाँ ट्राई करी हैं, और मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में शॉर्ट्स, आप शॉर्ट्स देखना ठीक है, यूट्यूब चैनल तो शॉर्ट्स देखना, शॉर्ट्स मैं ऐड कर दूंगा। अभी हम लोग व्हीली पे प्रैक्टिस कर रहे थे, उतना प्रॉपर हुए नहीं है, तो भाई मज़ा आ गया भाई, जो जो व्हीलियाँ पड़ी हैं साहिल भाई बताएंगे। साहिल भाई बताओ कैसा लग रहा था जब मैं व्हीली मार रहा था? भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये लौंडा सीख रहा है, और जैसे सीख जाएगा उस बार देखोगे उसके बाद फिर कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक थी? 1 किलोमीटर नीचे पहिया नहीं रुकेगा। हाँ 1 किलोमीटर चाहे पहिया आगे अगर निकल के चला के ना जाए भाई, मज़ा आ गया भाई। तो चलो चलते हैं घर की साइड, और भाई आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट था इसलिए ये वाला ब्लॉग बनाया मैंने, और आगे भी किसी को मॉडिफिकेशन के ऊपर क्या हुआ है कैसे हुआ है जानना है तो मेरे को कॉमेंट में बताओ, मैं ब्लॉग बना के दे दूंगा, ठीक है भाई, बाय।